सो हेलो गाइस, एक्शन डेविल एंड स्वागत करते हैं गाइस आज का एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, सो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस आज का टॉपिक है हमारा BGMI लैग फिक्स के ऊपर, जो कि मैंने कुछ दिन पहले दो दो पार्ट निकाले थे। गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा, पहले वो दोनों देख के आ जाओ एंड गाइज उसके बाद इस पार्ट थ्री पे क्लिक करो, तो गाइज आप लोगों को सारे चीज़ें समझ में आ जाएंगे। बेसिकली मैं कुछ इधर टिप्स देने वाला हूँ, 5-6 टिप्स, तो वो चीज़ें अगर आप लोग फॉलो करते हो किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पे, होना कि मेरा रियलमी 6 है, तो आप लोग कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करते हो तो भाई आप लोगों का BGMI बिल्कुल भी ज़्यादा लैग नहीं होने वाला है गाइस। एंड देखो इसका तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि बिल्कुल लैग नहीं होगा, प्रॉपर 60 FPS तो नहीं देने वाला गाइस, बट हाँ कुछ हद तक लैग फिक्स हो जाएगा, मतलब पहले से आप लोगों को इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। सो गाइस मेक श्योर वीडियो के एंड तक जरूर देखना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस एंड बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। एंड गाइस अगर इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ वही सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना, बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइज अभी बात करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। देखो BGMI का तो साइज़ बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब ग्लोबल से रिलेटेड करो तो एक ही है, ठीक है। एंड इसके अंदर आप लोगों को दो दो फाइल्स डाउनलोड करने को देखने को मिल जाते हैं। अगर गाइज मेरा इधर पर्सनल बात करूँ तो मेरा भाई HD पैक इजीली हैंडल कर लेगा फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं होता था। BGMI पबजी मोबाइल जो ग्लोबल था हमारा, उस पर भी मतलब जो HD पैक था हमारा 600 MB का, या फिर 500 MB का जो पैक था HD पैक, वो इजीली मेरा फ़ोन डाउनलोड करके मतलब इजी लर्न करा देता था गेम, कोई भी लैग नहीं होता। बट गाइस BGMI पे मैं इधर नॉन HD यूज़ करता हूँ इसके लिए, क्योंकि HD पे ऑब्वियसली बात है लैग होता है। एंड गाइस अगर आप लोग नॉन HD यूज़ कर दो तो आप लोगों का स्मूथ चलेगा। एंड गाइस मैं इधर हर एक एंड्रॉयड डिवाइस को, अगर वन प्लस वाले भी हो या फिर एसूस ROG वगैरह यूज़ कर दो, बहुत महंगे महंगे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन, फिर भी मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि गाइज मेक श्योर आप लोग वन प्लस ROG जो भी एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो क्यों ना हो, मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नॉन HD वाला पैक डाउनलोड करना है। गाइज़ मैंने भी नॉन HD वाला पैक डाउनलोड किया है एंड गाइज़ आप लोगों को भी नॉन HD वाले पैक डाउनलोड करने हैं एंड गाइज़ उस पर आप लोग सेटिंग करो तो वो स्मूथ चल जाएगा। एंड गाइज़ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ग्राफिक सेटिंग इधर बहुत सारे बंदे थोड़ा सा मतलब बिगड़ देते, ठीक है। तो मैं आप लोग को जो ग्राफिक सेटिंग यूज़ करने को बोलूँगा आप लोग वही करना, आप लोग थोड़े से चेंजेस कर सकते हो, मैं बताता हूँ। अभी देखो स्मूथ एंड एक्सट्रीम मेरा सपोर्ट करता है, किसी भी फ़ोन में अल्ट्रा सपोर्ट करेगा, हाई एंड 90 FPS भी किसी किसी डिवाइस पे सपोर्ट करेगा। आप लोगों को स्मूथ प्लस एक्सट्रीम रखना है, मतलब जितना भी आप लोगों का फ्रेम रेट दे आपके फ़ोन में तो वही रखना है। एंड गाइस ग्राफिक्स जो है क्लासिक या कलरफुल या फिर सॉफ्ट, इन तीनों में से यूज़ करना है, नॉट रियलिस्टिक एंड मूवी पे कभी भी नहीं शिफ्ट करना। कलरफुल पे मैं खेलता हूँ तो कलरफुल ही मेरा है। एंड गाइस इधर एंटी अलाइजिंग ए क्या है आप लोग पहले पढ़ लो, बहुत सारे बंदे इसको इग्नोर मार देते, इसको बंद कर देते। गाइस आप लोगों को बहुत सारे बंदे को पता ही नहीं रहता कि एंटी अलाइजिंग क्या चीज़ है, ठीक है। अभी देखो इसका ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये तो देखो आप लोग, मेक्स द ग्राफिक्स टेक्सचर स्मूथ बट इंक्रीज बैटरी कंज्यूमिंग। अगर एक एंटी अलाइजिंग आप लोग ऑन कर दो तो हाँ बैटरी ज़्यादा आप लोगों का कंज्यूम करेगा गेम में, बट आपका जो ग्राफिक्स का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देते हैं। आप लोग खुद एग्जाम करके देखना अपने क्लासिक मैचेस या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाके, एक बार एंटी अलाइजिंग को बंद कर देना एंड एक बार एंटी अलाइजिंग को ऑन करके देखना, तो वही रहेगा। एंड ग्राफिक सेटिंग ये नीचे वाले ब्राइटनेस ये तो आपकी मर्जी है, बट ऑटो एडजस्ट ग्राफिक वो आप लोग एनेबल मत करना, वो ऑफ कर देना, ठीक है। तो गाइस ये तो मैंने दिखा दिया मेरा ग्राफिक सेटिंग एंड यही चीज़ें आप लोगों को फॉलो करना है। एंड गाइस अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आप लोग का फ़ोन स्टोरेज है। गाइस फ़ोन स्टोरेज एट लीस्ट आप लोग का 70% खाली होना चाहिए। मेरा बात करो तो मेरा 180 GB का स्टोरेज है, सॉरी 128 GB का स्टोरेज है। तो गाइस इसमें ना मैं सिर्फ और सिर्फ 30 GB यूज़ करता हूँ, बाकी सारे स्टोरेज पूरा खाली रख दिया है मैंने। फ़ोन स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, मेरे पास HD कार्ड है तो मैं बैकअप ले लेता हूँ एंड मेरे पास एक लैपटॉप भी है तो उसमें भी मैं बैकअप ले लेता हूँ। गाइस अगर आप लोग को बैकअप लेना है तो आप लोग एक HD कार्ड खरीद सकते हो, उसके अंदर आप लोग सारे इंपॉर्टेंट डेटा रख सकते हो। जो फ़ोन स्टोरेज है गाइस उसके गेम के लिए, गेम स्मूथ रन करने के लिए एट लीस्ट 70% स्टोरेज आप लोगों का खाली रहना चाहिए। एंड गाइस यही अगर आप लोग टिप्स फॉलो करते हो तो भाई आपका गेम बहुत ही हद तक स्मूथ चलेगा। गाइस इधर एक और बात उठता है कि बहुत सारे फ़ोन में ना एक प्रो मोड होता है, प्रो गेमिंग मोड होता है,
एंड बहुत सारे फ़ोन में अलग अलग नाम से भी होता है, किसी किसी के फ़ोन में एक्स मोड होता है, हमारे फ़ोन में जैसे हाई परफॉर्मेंस मोड एंड कंपिटेटिव मोड। तो ये कुछ अगर आप लोग एनेबल कर दे दो, सो इधर हमारे जो मेरा रियलमी वाई 2.0 है तो इधर प्रो मोड रहता है, रियलमी 1.0 पे कंपिटेटिव मोड रहता है, तो वो दोनों आप लोग को एनेबल करना है। मतलब जितना भी आप लोग के फ़ोन में हाई मतलब हाई परफॉर्मेंस दे वो वाला मोड एनेबल करना है। जैसे हमारे रियलमी 6 में इधर बैटरी पे जाके हम लोग हाई परफॉर्मेंस मोड को कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे हाई परफॉर्म वाले जो मोड्स आप लोगों के फ़ोन में हैं वो एनेबल करके गेम खेला करो अभी के लिए। जब BGMI थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा तब आप लोग इजीली कोई सा भी मोड लगा के खेल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत ऐसा कोई लैग आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। वैसे रियल ये जो लैग हो रहा है ना BGMI ये ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है जो MediaTek के प्रोसेसर्स है उनके ऊपर, जैसे रियलमी के कुछ डिवाइसेस हो गए, रियलमी के जो प्रोसेसर है मतलब रियलमी सॉरी MediaTek के जो प्रोसेसर्स है उन पे ज़्यादा भारी हो रहा है BGMI का लैग। एंड गाइस जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यूज़ करते हैं उन पे थोड़ा सा कम लैग हो रहा है अगर कंपेयर करूँ मैं इधर MediaTek के, बट उधर भी लैग हो रहा है। तो गाइस यही कुछ 3-4 टिप्स थे गाइस, ये चीज़ आप लोग फॉलो करा करो, मेक श्योर गाइस आप लोगों का फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा एंड BGMI बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रन करेगा। एंड गाइज एक और चीज़, आपके फ़ोन में जितना भी ज़्यादा ऊपर हाई लेवल का रिफ्रेश रेट है उसको एनेबल करके गेम खेलोगे तो और भी ज़्यादा आप लोगों को स्मूथनेस दिखेगा। मैं इसका एग्जांपल आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ गाइज, एक 90 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले पे आप लोग 60 FPS के कोई भी गेम चलाओ तो उसका तो स्मूथनेस है, एक 60 FPS के डिवाइस पे 60 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले पे 60 FPS का जो गेम है उससे खेलने से ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि 90 FPS कहीं ना कहीं एक तो ऊपर हाई लेवल का एक वो पकड़ ही लेता है, ठीक है, एडवांटेज वो पकड़ ही लेता है। सो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना गाइज, हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज है सम के सब्सक्राइबर्स के, सो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा लेना। एंड फर्दर एनी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके बताओ, अगर कमेंट पे इन केस मैंने रिप्लाई देना भूल गया या फिर मैंने आपको एक दिन के अंदर रिप्लाई दी है ही नहीं, तो गाइज मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना एंड स्ट्रीम पे आ जाना मेरे, मैं हर रोज़ स्ट्रीम करता हूँ, आप लोग लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो, लाइव स्ट्रीम में कोई सा भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, मैं ज़रूर से आप लोगों का हेल्प करने का ट्राई करूँगा। तो गाइज अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टाटा बाय बाय, सी या। देख अब कैसे बना रहा हूँ गाने, बकचोदी पेल रहे हो गाने के बहाने, घर पे खाली बैठा हूँ अब मैं भी करूँ क्या बे, तो कुछ और करना, क्रिंज मत फैला बे। सॉरी यार सॉरी, देख ऐसी बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत तू भी सही है, ये रैपिंग वैपिंग लसन मेरे लिए नहीं है, पर चल रहा तो चलने देना, एक सुखी सही है। हेलो दोस्तों लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया, चलो अब जाइए।